की जय, गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर सात की जय। नूर जमाल महबूब पिया, नूर जमाल महबूब पिया, रस भरी लीला का रस दे दिया। नूर जमाल महबूब पिया, नूर जमाल महबूब पिया। शयन के मंदिरों में पिया जब आए, शयन के मंदिरों में पिया जब आए, बारह हजार ही स्वरूप बनाए, बारह हजार ही स्वरूप बनाए, एक सखी एक पिया, सुख सारी रैन लिया, अरस परस इश्क अंगो अंग पाया। सब सखियों का हर खेजिया, सब सखियों का हर खेजिया, रस भरी लीला का रस दे दिया। नूर जमाल महबूब पिया, नूरे जमाल महबूब पिया। चौथी भौम में दुल्हा देखे, चौथी भौम में दुल्हा देखे, नव रंग बाई की निरत अलेखे, निरत की सैया आई साज बजाने, नवरंग ने निरत कमाल किया, नवरंग ने निरत कमाल किया, रस भरी लीला का रस दे दिया। नूरे जमाल महबूब पिया, नूरे जमाल महबूब पिया। तीजी भौम की जो पड़साल, तीजी भौम की जो पड़साल, आन बिराजे पिया नूर जमाल, आन बिराजे पिया नूर जमाल, चेतन हर शे यहाँ पे जो कोई है जहाँ पे, हाजिर हजूर हुए सजदे में आके, पिया ने गाहे रस बरस रया, पिया ने गाहे रस बरस रया, रस भरी लीला का रस दे दिया। नूरे जमाल महबूब पिया, नूरे जमाल महबूब पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ
प्रणाम जी, सभी प्रणाम सुनो सब। जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराज जी, युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। भौम पांचवी मध्य की इत पोड़त है रात, श्याम श्यामा जी साथ सब, जोलो होई प्रभात, जोलो होई प्रभात। श्री रंग महल की पांची भौम और पांची भौम के ठीक मध्य में आए नव चौक, उन नव चौक के भी मध्य चौक में श्री राज श्यामा जी और सभी सुंदर साथ रात्रि से ले प्रातः काल तक शयन लीला करते हैं, अलौकिक शयन की लीला। परम धाम में निद्रा या शयन नाम की कोई वस्तु नहीं है। पांची भूम के अतिरिक्त सभी लीलाएं हकीकत की धरातल पर होती है, किंतु पांची भूम की ये प्रेममय लीला मार्फत परम सत्य के स्तर पर होती है, जिसमें आशिक और माशूक, प्रेमी और प्रेमास्पद का कोई भी भेद नहीं रह जाता, और इसे ही इस झूठी दुनिया के शब्दों में शयन करना कहा गया है। तो श्री रंग महल की पांची भूम हमारे अलौकिक शयन के मंदिर, उन शोभा को हम देख रहे हैं। हमने शोभा देखी थी कि चौथी भूमि में वो जो निरत की लीला, नवरंग बाई का वो अनुपम नृत्य, पिया की नजरों में नजर डाल, कैसे नवरंग बाई अनुपम अति सुंदर नृत्य पेश करती है, कैसे भाव भंगिमा जो चीज दिखाना चाहती है अपने हाव भाव से प्रत्यक्ष दिखाती हुई। नृत्य के आनंद लेने के पश्चात आप श्री राज श्यामा जी और सब सखियां अब चलते हैं पांची भूम की ओर। तो पहली चौरस हवेली से सीढ़ी वाले मंदिर से अर्शी मिलावा चलता है पांची भूम की ओर, उन समय के उन अलौकिक सुखों को दिल में ले रहे। अति सुंदर नूरमयी जवेरों से छिल मिलाती सीढ़ियां और उन पर हमारे नूर जमाल पिया श्री राज श्यामा जी कैसे हाथों में हाथ थामे बड़ी प्यार से सीढ़ियों पे कदम आगे बढ़ाते हुए, और धाम के लाडली सखियां भी उन सीढ़ियों को चढ़ती हुई, तो उन समय उनके आभूषणों की मीठी झलका और पिया जब रूह से मीठी मीठी बातें करते हैं उनकी पूंज नवो भूम इस लीला में गुंजायमान होते हुए। पांची भूम में उत्तर दिशा के द्वार से निकलकर मध्य मेहराब से होते हुए हमने चौरस गोल, चौरस गोल आठ हवेलियों के फिरावे चौरस गोल की सुंदर शोभा को निरखते हुए पार किए। आगे पंचमोला, पंचमोले को पार करते ही 28 मंदिर की विशाल फुलवाड़ी, और इन फुलवाड़ी में खड़े हैं सामने तीन चौकों की तीन हारे आपस में सटे मंदिर। ये जो चौक हैं आपस में बिल्कुल एक साथ जोड़ते हुए तीन चौकों की तीन हारे आपस में जोड़ी हुई, तो हम इन 28 मंदिर की फुलवाड़ी में हैं, घेर कर आई फुलवाड़ी, इन नव चौकों को घेर कर आई, इन जल स्तूनों की जगह मतलब जो जल स्तून है उन जगह फुलवाड़ी ना आके स्तून आ गए, बाकी घेर कर संपूर्ण फुलवाड़ी की शोभा, नहरे चबच्चे अपरंपार शोभा, और सामने 630 मंदिर की दीवार जिनमें कोने में देखते हैं गुर्जों की शोभा, तो ये शोभा अपने को दिखाई देती हुई कि जिस जिमी पे हम खड़े हैं
तो यहाँ गुर्जों के द्वार उन जीनी से तीन सीढ़ी, ये गुर्ज हमें तीन सीढ़ी ऊंचे दिखाई देते हुए उनकी सीढ़ियां उतरती दिखाई देती हुई। इन कोने की बात करें, इन कोने की ईशान कोण, अगीन कोण, वायव कोण, नैऋत्य कोण, सब में इस तरह से शोभा। और जहां पर ये दो गुर्ज आपस में जुड़ रहे हैं, जहां पर दो चोक या ये महाहवेलियां कहे आपस में जुड़ रही हैं, वहां पर दो गुर्ज एक साथ दिखाई देते हुए उस सुंदर शोभा के दर्शन होते हुए। अब देखेंगे प्रत्येक चोक में हमें आठ आठ बड़े दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। हमारे सामने तीन चोक हैं, तीनों चोकों में हमें आठ आठ अति विशाल धाम दरवाजे की तरह 88 हाथ के लंबे चौड़े, ऊपर 12 हाथ की मेराब, दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार, तो सुंदर धाम दरवाजे की तरह विशाल बादशाही शोभा से युक्त ये द्वार। इन चौक में देखिए आठ, इधर आठ और इधर आठ, तो इन द्वारों की शोभा को नजदीक से देखते हैं हम ईशान कोने के इन गुर्ज के बाद खुद को महसूस करते हैं और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो देखेंगे ये जो पहला बड़ा दरवाजा आया है यहाँ से 17 मंदिर की हद पे आया है। मैं लिखती भी जाती हूँ सुंदर साजी कि जो पहला बड़ा दरवाजा आया है वो 17 मंदिर की हद पे आया है। और पहले दरवाजे से दूसरा दरवाजा 24 मंदिर की हद पर, तीसरे से चौथा 24 मंदिर की हद पर, इस तरह से पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां, सातवें से आठवां, इन दरवाजों के बीच में डिफरेंस है 24-24 मंदिर का। ये सभी 24-24 मंदिर के अंतर पाए हैं। आठवें दरवाजे से पुनः हम चौक की हद देखेंगे, यहाँ पर 17 मंदिर की। इन दरवाजे से इन चौक की हद 17 मंदिर की, और पुनः अब यहाँ से ये दूसरा चौक शुरू हो गया और यहाँ से बड़े दरवाजे की हद है 17 मंदिर। तो इन दो बड़े दरवाजों के बीच में जगह हो गई अपनी 17 और 17, 34 मंदिर की। 17 और 17 कितने हुए? 34 मंदिर की। यहाँ पर इन दो दरवाजों के बीच में 34 मंदिर का डिफरेंस था। पुनः हम देखेंगे 24-24 मंदिर के अंतर पर आएंगे और यहाँ पर पुनः देखेंगे 34 मंदिर का डिफरेंस। तो इस तरह से बड़े दरवाजों की सुंदर शोभा, एक बार पुनः शोभा बताती हूँ। अब किसे यहाँ से आते हैं अगिन कोने से, अगिन कोने के इन गुर्ज से, सुंदर सा जी बहुत धीरे धीरे कराऊंगी, अगिन कोने के गुर्ज से हम उत्तर की ओर चले तो 17 मंदिर की हद के बाद यहाँ पर बड़ा दरवाजा, फिर उसके बाद 24-24 मंदिर के अंतर पर ये 8 दरवाजे आते चले गए। 8वें दरवाजे से इन चौक की हद है 17 मंदिर, और पुनः यहाँ से दूसरा चौक शुरू हो गया, यहाँ से पहले दरवाजे की हद है 17 मंदिर। तो इस तरह से घेर कर हर दिशा में अपने को 24-24 नूरमयी दरवाजों की सुंदर शोभा दिखाई देगी। अब इन दरवाजों की शोभा को हम नजदीक से देखते हैं। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं शोभा। ये अपना 210 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, कोने का चौक ही गुर्ज रूप में, और यहाँ से हम 17 मंदिर चलेंगे, इस मंदिर समेत 17 मंदिर चलेंगे, तो ये अपना पहला बड़ा दरवाजा, और इस दरवाजे से हम 24 मंदिर चलेंगे तो ये दूसरा दरवाजा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 24-24 मंदिर की हद पे, आठवें से फिर चौक की हद, चौक का किनारा अपने को 17 मंदिर की हद में मिलेगा। तो हम एक दरवाजे की शोभा देखते हैं, अति विशाल दरवाजे सुंदर अनुपम शोभा लिए, ये द्वार एक मंदिर के चौड़े और 10 मंदिर के लंबे आए हैं।
हम इन द्वार के सामने खड़े हैं, हम इस जगह खुद को महसूस करें, ठीक सामने इस दीवार पे अपने को 88 हाथ का लंबा चौड़ा विशाल दरवाजा, लाल रंग की चौखट, बेनी की शोभा, कुंदे सांकल की शोभा, और जो 43-43 हाथ के पल्ले आए उन पल्लों में भी बेशुमार चित्रामय, कहीं चौरस, कहीं गोल, कोई अर्धचंद्राकार, तो बेशुमार चित्रामन उन दरवाजे के पल्लों में। ऊपर 12 हाथ की सुंदर मेहराब, मेहराब की नोक पर और दाएं बाएं सुंदर फूल। तो हमने ये पहली मेहराब, ये अपनी हुई पहली मेहराब, इसको पार किया तो हम हैं दरवाजे के मंदिर में, और ये हो गई दूसरी मेहराब। तो इस तरह से दो मेहराबे तो इन मंदिर के हाथ में आ गई। मैं ड्रॉ भी करती जाती हूँ। यहाँ पर 23 मेहराबों की शोभा आती है, तो दो मेहराबे ये हो गए। अब इसके बाद है दो थंबों की हाथ 3 गली, ये तीसरी मेहराब, चौथी। अब ये जुड़ाफे के मंदिर, हमने देखा था कल कि चौक से 3 मंदिर की दूरी पर जुड़ाफा आता है, और जुड़ाफे से 3 मंदिर की दूरी पर हवेली है। तो हम यहाँ देखेंगे अपने पास कोने यहाँ पर 3 मेहराबे, क्योंकि ये मेहराबे भी 88 हाथ के दरवाजों की तरह, जैसी शोभा हमने इन बाहरी दीवार बीती दीवार की देखी, ठीक ऐसी ही यहाँ पर सुंदर विशाल दरवाजे। तो 3 मेहराबे ये हो गए, 2 मेहराबे पुनः त्रिपोलिए की और 2 मेहराबे यहाँ की। हवेली को घेर कर बाहर जो 64 मंदिरों का स्थान आता है। तो हम ये देखेंगे ये टोटल अपनी मेहराबे हुई इस तरह से लंबाई में 10। एक बार पुनः ये दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं। 10 10 नहीं सुंदर साहब जी, 11 मेहराबे। तो इस तरह से हम यहाँ से भीतर की ओर चलते हैं तो 11 मेहराबे। थोड़ा सा इसको समझने के लिए एक पिक्चर दिखा रही हूँ कि किन मेहराबों को हम गिन रहे हैं। ये देखिए सुंदर साची, इस तरह की जो मेहराबे आई, 1 2 3 4 5, इस तरह से अपने को भीतर तक 11 मेहराबे गिननी है। तो ये तो हुई पूर्व से पश्चिम, हम कहें क्योंकि पूर्व दीवार पे खड़े हैं, तो ये अपनी हुई 11 मेहराबे। अब हमने गिनने हैं मेहराबे। अब सुंदर साहब जी, यहाँ पर जो मेहराबे है ना, इस मंदिर की दाएं बाएं की मेहराब नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि जब हम इस मंदिर में हैं, पूर्व पश्चिम तो 88 हाथ की बड़ी मेहराबे हैं, लेकिन उत्तर दक्षिण छोटे द्वार है और दीवार की शोभा है, तो ये दाएं बाएं की मेहराब नहीं गिनी जाती। यहाँ पर ये जो त्रिपोलिये आए हैं, 2 त्रिपोलिये, इनके मध्य ये जो 3 मेहराबे बनती हैं दोनों तरफ इस तरह से जो आपस में थंब मिलान करते हैं, तो 6 मेहराबे यहाँ से और 6 मेहराबे यहाँ से। तो 11 हम पहले गिन चुके हैं और 12 ये, तो टोटल 23 मेहराबों की शोभा। तो इस तरह से मेहराबे गिनते हैं, इसका भी पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सुंदर साजी, ये देखिए 2 थंबों की हार 3 गली, ये 1 मेहराब 2 मेहराब 3 मेहराब। तो हमने को दाएं बाएं की ये 3 3 मेहराबे गिननी है, यहां से 3 मेहराबे इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से और 3 इधर से। तो इस तरह से अति सुंदर शोभायमान ये दरवाजा, और ये दरवाजा हमें सीधा हवेली तक पहुंचाता हुआ, ये देखिए ये दरवाजे हमें हवेली से हवेली तक पहुंचाते हुए, बाहरी किनार से हवेली तक, यहाँ देखिए हवेली से हवेली तक ये दरवाजे हमें पहुंचाते हुए, एक मंदिर के चौड़े और 10 मंदिर के लंबे, 10 मंदिर हैं तभी इस तरह से 11 मेहराबे आती हैं। तो सुंदर सा जी, ये शोभा अपने को क्लियर हुई बड़े दरवाजों की, 23 मेहराबों की। हाँ जी सुन दीदी,
दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जैसे हमने यहाँ से हमने पहले ये 11 मेहराब गिन ली थी इनको, ये वाली पहले पहले मेरों की हो गई 2 मेहराब, फिर 2 त्रिपुरों की हो गई, फिर उसके बाद 2 त्रिपोलियों की और हो गई, फिर 2 मंदिरों की होगी, उसके बाद 2 मंदिरों की होगी, हमारी टोटल 11 मेहराब हो, ठीक है दीदी? हाँ जी। फिर उसके बाद हमने ये 6 मेहराब और लिए, ये इनसे अलग गिनेंगे इनको या इनके साथ गिनी जाएंगी? इनके ये साथ दोबारा हमारी जो 6 मेहराब, ये देखो दीदी इसको इस तरह से गिनेंगे, जब देखो आप यू भीतर की तरफ चल रहे हो, हाँ जी, तो 11 मेहराबी तो ये हुई, ये देखो मंदिरों की एक हार, मंदिरों की दूसरी हार और जुड़ाफे, 4 तो मंदिर हो गए अपने, है ना, तो 2 मेहराबी यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, और 2-2 मेहराबे इन त्रिपोली पर, तो ये शोभा अपने को जो हमने पहले काउंटिंग करी वो इन मेहराबों की काउंटिंग करी सिर्फ, इन मेहराबों की। अब ये मेहराबे तो हमने सीधी काउंट कर ली, लेकिन अब हमने दाएं बाएं भी देखना है, इधर जो मेहराबे आती है, ठीक है, एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने देखो ये वाली, ये मेहराबों का तो निशान दे रखा है ना, लेकिन हमने ये जो थंब इस तरह से जो मिलान करते हैं, थंब इस तरह से ये थंब मिलान करते हैं ना आपस में सारे, एक तो बार दीदी मैं ये हैंड रेज हैंड हटाती हूँ एक से। हाँ जी अब बताइए। अब ये देखिए दाएं बाएं, अब जैसे आप इस त्रिपोलिया पे खड़े हो, आप जैसे सबसे पहले इस मंदिर में आ जाओ, मंदिर की पूरा पश्चिम तो आपको बड़ी बड़ी मेहराबे नजर आ रही है, वो तो आपने गिन ली, दाएं बाएं देखते हुए यहाँ पर मंदिरों की दीवार है, दरवाजा है, तो वो बड़ी मेहराब नहीं गिनी जाएगी, यहाँ सिर्फ ये अंदर की और बाहर की दीवार गिनी जाएगी। इसी तरह से इन जुड़ाफे में भी ये 3 गिनी जाएंगी, इसमें भी ये 2 गिनी जाएगी, दाएं बाएं नहीं गिनी। लेकिन जब हम यहाँ त्रिपोलिये में है, त्रिपोलिये में इधर नजर करते हैं, यहाँ नजर करते हैं, इन 3 जगह अपने को 3-3 मेहराबे मिल रही है, तो ये 6 मेहराबे ये और 6 मेहराबे यहाँ से त्रिपोलिये के दाएं बाएं, ये 12 मेहराब जो है ये मतलब दोबारा इनको किया जाएगा ना, ये तो हाँ, ये सीधी होगी पूर्व से पश्चिम तक की, और ये आड़ी, ये अलग से है, ये आड़ी 6 वो खड़ी हाँ, तो, हाँ इसका मैंने पिक्चर दिखाया था ना, ये देखो ये वाला आड़ी जब देखते हो आप, तो ये 2 थंबों की हार, 3 गली है, ये देखो 3 मेहराब ये गिनोगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है दीदी, प्रणाम, समझ में आ गया। प्रणाम जी। हाँ जी अनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये जो एक के बाद एक 7 दरवाजे आ रहे हैं यहाँ पे, ये 7-7 की शोभा एग्जैक्टली सेम है? ऐसे देखो खुल के वर्णन नहीं आया, खुल के वर्णन नहीं आया, शायद आया भी हो तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन एक दिल में शोभा बैठती है ना, जैसे यहाँ पर बता दिया 88 के, और इसको अपन मेहराबों में गिन रहे हैं, और यहाँ भी बड़े दरवाजे बता दिए और इनको भी मेहराबों में गिन रहे हैं, तो यहाँ पे 88 हाथ के ही दरवाजे होंगे, क्योंकि ये बता दिया गया कि जुड़ाफे के मध्य दरवाजे के 3 गेट हैं, है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को, क्योंकि अपन दरवाजा देख रहे हैं, तो एक के बाद एक पट खुलेंगे तभी अपने को ये मेहराबे नजर आएंगी बड़ी वाली, ठीक है, वो 88 हाथ और 6-6 हाथ की दीवार, हाँ 88 हाथ और 6-6 हाथ की दीवार, हाँ जी, क्योंकि यहाँ मंदिर है ना, मंदिरों की जब मेहराब आएगी तो वहाँ 88 हाथ वाला ही होना चाहिए, और दाएं बाएं तो अपनी अक्षी दीवार है, उसमें सिर्फ एक दरवाजा है 33 हाथ का, तो इसलिए दाएं बाएं को काउंट नहीं कर रहे इन मेहराबों को, इन मेहराबों को काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये खुली आ गई, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी सुंदर साहब जी, क्लियर हुआ ये दरवाजा? हाँ जी दीदी अब क्लियर हो गया। सुंदर साहब जी एक बार मैं इस शोभा को वापस से रिवाइज कर रही हूँ। हाँ जी सुंदर साहब जी कौन है? हाँ ममता जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आपने ये जो त्रिपोलियों में आएंगी ना 6-6 मेहराब, हाँ 6-6 मेहराबे त्रिपोलियों में, तो दीदी आप जब ड्रॉ करके समझाते हो ना वो बहुत अच्छे से समझ आता है,
ये देखो पूर्व से पश्चिम तो अपने को समझ में आ गया, ये 11 मेहराब है ना इस तरह से वाली। अब यहां से जब आप इस जगह खड़े हैं तो दाएं बाएं अपने को कोई मेहराब नजर नहीं आ रही, दीवार की शोभा नजर आ रही है, तो यहाँ के दाएं बाएं की मेहराब नहीं गिनी जाएगी। लेकिन जब इस जगह खड़े हैं, हम इन गली में खड़े हैं, इन गली में खड़े हैं, तो ये जो थंब है, ये थंब इधर मंदिर से, ये थंब से और ये थंब इधर मंदिर से मिलान कर रहे हैं ना ऐसे ये। तो यहाँ पे अपने को ये तीन मेहराबे नजर आती हुई इस तरफ, इधर भी ये तीन मेहराबे दरवाजे की शोभा में नजर आती हुई, तो छह मेहराबे ये और छह मेहराबे आड़ी ये गिनेंगे, तो ऐसे 11 और 12 23 मेहराबों की शोभा हो जाती है। दीदी जो आगे और मंदिर आए हैं वो उसमें वो भी काउंट होगी क्या? कौन सी ये वाला? हाँ जी, ये नहीं काउंट कर रहे, यहाँ तक काउंट होना। ठीक दीदी, और जी वो ये दरवाजा हमारा पूर्व दिशा में आया है ना, और भी दिशा में दरवाजे आए हैं? हाँ, चारों तरफ से यही शोभा है। अभी हमने बात की थी ना कि एक मतलब चौक की हद में 17 फिर 24 24, तो ये शोभा चारों तरफ है। ये देखो ये अपने को यहाँ पे प्रतीक रूप में दो दिखा रखे हैं, 8 की जगह 8 बड़े दरवाजों की। ये देखो ये पहले ये जो अपना पहला चौक है नवहारों का, उसमें 8 हुए, फिर दूसरे फिरावे में 8 हुए, फिर तीसरे फिरावे में, ऐसे अपने पास 9 फिरावे हैं। तो पूर्व से पश्चिम 8 की 9 हारे बड़े दरवाजों की, और उत्तर से दक्षिण भी बड़े दरवाजों की 8 की 9 हारे, टोटल 144 बड़े दरवाजे आए हैं। तो यहाँ से भी बिल्कुल ऐसी ही शोभा, पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, फिर 24 24 और चौक की हद पे 17 मंदिर की हद पर। दीदी प्रणाम जी, ये 24 जो 12 आपने समझाई मेहराबे, ये तो समझ आ गई, 11 एक बार फिर से बताइए ना। और करके बता दीजिए थोड़ा सा। ये देखो ये अपनी बाहरी मंदिरों की दीवार जो अपन ने अभी देखी थी ना, 210 210 200 630 630, वहां पे यहाँ खड़े हैं जो पहला 17 मंदिर के हद पे दरवाजा आया वहां पर। तो यहाँ पर बड़ी मेहराब पहले, हाँ जी, फिर ये दूसरी मेहराब, ये तीसरी, ये चौथी, और इस जुड़ाफे में 3 हो गई, 2 फिर यहाँ पर हो गई, और 2 इन मंदिरों की हार में। तो 2 तो ये गिन लेंगे, 2 हमने ये गिनी और 3 ये, 7 तो ये हो गई, और 2 और 2 ये, 11 ऐसे पूर्व से पश्चिम 11। वो अंदर वाली नहीं है वो, बिल्कुल अंदर वाली मंदिर? हाँ ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, मुझे कंफ्यूज हो रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ वो तो फिर 13 बैठ रही है ना, इसलिए मैंने कहा पूछ लेती हूँ एक बार। हाँ जी, और इधर से अपन 6 और लेंगे। हाँ, ये तो समझ आ गई थी त्रिपोली वाली। थैंक यू प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, एक बार मैं शोभा वापिस से रिपीट करती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। हम इन फुलवाड़ी में खड़े हैं सुंदर साथ जी, ईशान कोने से कितना मंदिर चलेंगे कि अपना पहला दरवाजा आएगा? ईशान कोने से हम कितने मंदिर चलेंगे कि अपना पहला बड़ा दरवाजा आएगा? सुंदर साहब जी अगर ये अपने को गिनती याद हो जाए ना थोड़ी सी, तो पूरी गिनती फटाफट निकल जाएगी। हाँ जी पद्मा जी, 17 मंदिर चलेंगे दीदी। हाँ 17 मंदिर चलेंगे तो पहला दरवाजा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कितने कितने मंदिर के हाथ में आए हैं? फिर ना 24। हाँ जी 24 24 मंदिर की हाथ पर आए हैं, पहला 17 मंदिर पे, फिर उसके बाद 24 24 के हाथ पे ही अपने 8 दरवाजे हो गए। अब ये जो 8वें दरवाजे से अपनी चौक की किनार कितनी दूरी पे रह गई? हाँ जी सुंदर साची, चौक की किनार अपनी कितनी मंदिर की दूरी पे रह गई? चैट में भी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। जैमनी जी, 34 मंदिर, 34 34, हाँ दोनों को मिला के 34,
बाकी अगर चौक की हद तक देखेंगे 17 और फिर इधर से 17 तो यहाँ पर 34 मंदिर। हाँ, तो सुंदर साहब जी इस तरह से अपने पास 630 मंदिर की दीवार में 24 बड़े दरवाजे हुए और बाकी मंदिरों में दरवाजे और झरोखे की शोभा। अब हमको चलना है रंग परवाली मंदिर की ओर। सबसे पहले अपन रंग परवाली मंदिर की शोभा देखते हैं। एक बार मैं दरवाजे की शोभा भी वापस बता देती हूँ कि जो अपना दरवाजा है एक मंदिर का तो चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा है। आप दरवाजे के सामने खड़े हो उस शोभा को महसूस करें कि एक मंदिर का चौड़ा विशाल, एक मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा, तो दरवाजे की कितनी प्यारी शोभा होगी। ऊपर की ओर नजर करेंगे तो सुंदर मेहराबे, उनपे नक्काशी और त्रिपोलियों में खड़े हैं तो दाएं बाएं तीन तीन मेहराबे उन दरवाजे की शोभा को बढ़ाती हुई। तो यहाँ देखेंगे बाहरी दीवार में 2 मेहराबे, इन जुड़ाफे में 3 मेहराबे, इन भीतरी हार जो हवेली को घेरकर 64 मंदिर का स्थान आया है उसकी चारों दिशाओं में जो बड़े दरवाजे आए हैं 2 वहां पर और 2-2 त्रिपोलिये में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां। तो इस तरह से तो हो गए 11 मेहराबे। लेकिन जब हम यहाँ इन खुले थंबों में खड़े हैं तो यहाँ दाएं बाएं भी अपने को 3-3 मेहराबे तो सभी में है, लेकिन ये 3 मेहराबे दरवाजे की शोभा को और बढ़ाती है। तो 6 मेहराबे इन त्रिपोली की, 6 मेहराबे इन त्रिपोली की, तो टोटल 23 मेहराबों की सुंदर शोभा। अब हम शोभा देखते हैं रंग परवाली मंदिर की। सुंदर साहब जी रंग परवाली मंदिर किन स्थान पर आया है, जो अपना रंग परवाली मंदिर है किन स्थान पर शोभायमान? सैमसंग के नाम से है ना, डेढ़ चौक चलने के बाद बीच में आया। इसको अपन यू भी कह सकते हैं कि जो ठीक मध्य का चौक है उसमें जो 9 चौकों की 9 हारे आई हैं उसके ठीक मध्य चौक में जो चोपड़ा आया है उस चोपड़े में अपना रंग परवाली मंदिर है। तो वाणी में अभी हमने पढ़ा था, कितना प्यारा वर्णन किया था वाणी में कि हम इन मध्य चौक में हैं और इन रंग परवाली मंदिर में खड़े हैं। तो हमारी यहां से लेकर, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो ऐसे 4 खांचे होते हुए और चारों में 4 की 4 हार चौक आते हुए, यहाँ भी 16 चौक, यहाँ भी 16 चौक, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, इन मध्य चौक से चारों तरफ इस तरह से 16-16 चौकों की सुंदर शोभा। जो मध्य अपना चोपड़ा है, 9 चौकों की 9 हारे, ये जो मध्य चोपड़ा है उस चोपड़े में रंग परवाली मंदिर की सुंदर शोभा आई है। और जब हम यहाँ 630 मंदिर की दीवार से लेते हैं तो जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि हम डेढ़ चौक पार करेंगे तो यहाँ पर रंग परवाली मंदिर की शोभा। तो सबसे पहले हम रंग परवाली मंदिर की शोभा समझते हैं और फिर वहां तक पहुंचने का रास्ता। हाँ जी सुंदर साहब जी, ये मध्य अपना चोपड़ा, चोपड़ा कितना लंबा चौड़ा था सुंदर साहब जी? चोपड़े की लंबाई कितनी चौड़ी आई थी, कितना लंबा चौड़ा चोपड़ा अपना? नीलम जी, आठ आठ मंदिर का लंबा चौड़ा। हाँ जी, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा। अभी इसमें जैसे रंग परवाली मंदिर को छोड़े तो चारों तरफ अपने को क्या क्या शोभा नजर आ रही है?
आप इस चौक में खड़े हो, घेर कर थंबू की हार, उसके बाद क्या शोभा नजर आ रही है? चारों दिशाओं में हमें जुड़ापे के, चारों दिशाओं में चार जुड़ापे के मंदिर दिखाई दे रहे हैं और छह छह गलियां दिखाई दे रही हैं, त्रिपोलिये, यानी कि दो दो त्रिपोलिये दिखाई दे रहे हैं और चारों कोनों में अपने को हवेलियों के कोने लगते हुए नजर आ रहे, कोने लगते हुए। हाँ जी। अब ये अपने पास है चौक, आठ मंदिर का लंबा चौड़ा। इन चौक में दो मंदिर का लंबा चौड़ा अपना रंग परवाली मंदिर, श्यामा जी के शयन का मंदिर, दो मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल मंदिर, रंग परवाल रंग का, लाल रंग का ये मंदिर। चारों दिशाओं में इनमें चार द्वार हैं और इन द्वार की शोभा बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह बताई गई कि वैसे ही 88 हाथ का लंबा चौड़ा, ऊपर 12 हाथ की मेहराब, दोनों तरफ 56-56 हाथ की दोरी दीवार, कुंडे साकल की शोभा, चौखट की शोभा। तो यहाँ पर ये देखेंगे इन दो मंदिर में एक बड़ी मेहराब आती हुई, उन बड़ी मेहराब में वो बड़ा दरवाजा आता हुआ। अब इस बड़ी मेहराब के ठीक सन्मुख ये देखिए ये बड़ी मेहराब, पानी में भी ये छपाई आती है, आमने सामने ये दोनों बड़ी मेहराबे सुंदर झलकार करती है। हालांकि यहाँ दो मंदिर हैं, इनके अलग अलग दरवाजे हैं, पर वो दोनों दरवाजे इन एक बड़ी मेहराब में और इधर ये एक बड़ी मेहराब, आमने सामने बिल्कुल समान ऊंचाई, समान लेवल पे ये दोनों मेहराबे सुंदर शोभायमान होती है। ये अपना रंग परवाली मंदिर, दो मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में द्वार। भीतर जाएंगे तो सीजिया, सिंहासन, हिंडोले, सभी प्रकार की सुख सुविधा की सभी साजो सामान उपलब्ध, और ऐसे ही हर मंदिर में सभी सुख सुविधा के साजो सामान। तो यहाँ पर सुंदर शोभा रंग परवाली मंदिर की, सीजिया की भी महाराज शिव जी ने बहुत सुंदर शोभा बताई है, ईश्वर उपलों के बीच में पचरंगी सुंदर निवार, उन पर गादी गद्दी की, तो सुंदर चादर, तकिए, मसूरों की सुंदर शोभा, तो सीजिया की बड़ी प्यारी सी शोभा बताई हुई। और ये यहाँ पर अगर अपने को याद हो तो युगल दास महाराज ने कितनी प्यारी लीला का वर्णन किया है कि जब आवल जीवाला का आह्वान होता है और सखिया अपने अपने मंदिरों में पिया को नहीं पाती तो दौड़ के आती है रंग परवाली मंदिर में और यहाँ पे परिक्रमा लगाती है, तो उन समय पर्दे हिलते हुए और उसमें युगल पिया का दीदार, उन शोभा को दिल में ले हुई, कैसी एक एक सखी को पकड़ के आप पिया का दीदार कर ले, कहीं से पिया जी के चरण कमल का, कहीं से उनके मुखार बिंद का, कहीं से उनके लहराते केश, तो सुंदर शोभा। और जब द्वार खुलते हैं, अंदर जाते हैं, तो मानो संपूर्ण समा पिया को जागृत करने में, वो सुंदर सुगंधित हवा, वो हल्की हल्की झूमर, मीठी मीठी ध्वनि, सुगंधित, तो वो सुंदर शोभा। अब इसको घेर के अपने पास दो मंदिर का लंबा चौड़ा ये हुआ और ये अपना था आठ मंदिर का लंबा चौड़ा, दो मंदिर का लंबा चौड़ा अपना ये रंग परवाली मंदिर हुआ। तो हर हर तरफ अपने पास तीन तीन मंदिर की परिक्रमा रहेगी। तो ये तीन मंदिर की परिक्रमा को महाराज जी ने तीन परिक्रमा करके डिवाइड किया गया कि देखिए ये बिल्कुल नजदीकी परिक्रमा, आपस में कोई बीच में थंब वगैरह नहीं है, तीनों ये पूरा तीन मंदिर का स्थान एक लेवल पे है, जैसे महाराज जी ने यहाँ कलर अलग किया है ऐसे मानिए अपने पास तीन पलक पावड़े बिछी हैं। ये तो बिल्कुल हम रंग परवाली मंदिर से सट के परिक्रमा करते हुए गुम्बद जी में आ जाइए, सुंदर साज जी बंगला जी में। एक परिक्रमा हम करें बंगला जी की दीवार को छूते हुए, तो वो परिक्रमा हो गई ये वाली, बिल्कुल बिल्कुल बंगला जी की दीवार को छूते हुए कर रहे हैं, तो ये आठ मंदिर की परिक्रमा हो गई। और एक एक परिक्रमा हम करें जो घेर कर जो अपने मंदिर आए हैं वहां पर देहलान आई है उसको छूती हुई, तो वो परिक्रमा अपनी ये गई। ये परिक्रमा आठ मंदिर की कही गई, ये 16 मंदिर की और ये 24 मंदिर की, तो ये बिल्कुल किनार पर परिक्रमा और इन दोनों के बीच में इस जगह पे परिक्रमा करना। तो तीन परिक्रमा ये बताई, ये बिल्कुल साथ लगती हुई और ये बीच की परिक्रमा और ये किनार की परिक्रमा और एक परिक्रमा थंबों के बीच में भी बताई गई, ऐसे घेर कर भी एक परिक्रमा बताई गई। तो आठ
16, 24 और 32 मंदिर की परिक्रमा। तो इसको अगर शोभा से दिल में लेते हैं तो गुम्बद जी या बंगला जी में आ जाए, बंगला जी में आ जाते हैं, तो जो पहली 8 मंदिर की परिक्रमा है वो तो एग्जैक्टली वो हुई कि हम बिल्कुल बंगला जी के साथ साथ परिक्रमा कर रहे हैं। अर्शे मिलावा वो याद करें हम जब सरकार श्री के साथ या भी विजय भाई साहब या विंदर शर्मा जी जाते हैं तो वहां पर जब नीर सागर की परिक्रमा होती है तो बिल्कुल दीवार के साथ जो लगती परिक्रमा है वो है 8 मंदिर की। और किनार पर जो मंदिर आए हैं वहां पर ढलान आई है वो परिक्रमा करते हैं तो वो ये वाली, और उन दोनों के बीच की जगह में जब परिक्रमा करते हैं तो वो ये परिक्रमा। तो इस तरह से रंग पर वाली मंदिर को घेर कर 4 परिक्रमा बताई गई, 8 मंदिर की, 16, 24 और 32 मंदिर की। सुंदर सा जी शोभा क्लियर हुई अपने रंग पर वाली मंदिर की और परिक्रमा की शोभा। नीलम जी आप कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी वो पहले का ही हाथ खड़ा है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अनीता जी, अनीता जी हो गए अनम्यूट हो गए अनीता जी आप? हाँ जी अनीता जी अभी पहले का था क्या? स्वर्ण दीदी। हाँ जी दीदी मैं ये कह रही थी कि जैसे अनिल श्रीवास्तव जी मतलब चितवन में बताते हैं ना कि मतलब अंदर की परिक्रमा, तो वो जैसे हम गुम्बद जी के अंदर मतलब जाते हैं तो वो वाली परिक्रमा या अंदर की परिक्रमा का आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए मुंशी आती है। वो अंदर की परिक्रमा तो अपन गुम्बद जी का जो मंदिर है उसके अंदर एंटर करें तो निज मंदिर को घेर के जो परिक्रमा है ना वो उसका वर्णन कर, ये परिक्रमा हो रही है बाहर मतलब निज मंदिर गुम्बद जी का जो निज मंदिर है जो मतलब मंदिर जी। जो गुम्बद जी का मंदिर है मंदिर के अंदर आ जाओ गुम्बद जी में राज्य की मतलब राज्य की सेज्या के आगे से उनकी मतलब उस सिंहासन के आगे से होके जब परिक्रमा करते हैं पूरी अंदर की परिक्रमा बाहर की नहीं अंदर की वो उनको वो वर्णन करते हैं। हाँ जी हाँ जी वो अंदर की होगी ना जहाँ पे छत्रसाल जी का भी शासन रखा है वो होगी ना अंदर की परिक्रमा। हाँ जी वो और उसके उसके बाद जो बाहर वाली है वो बाहरी परिक्रमा हो गई जो गुम्बद के हमारे निज के बाहर की परिक्रमा है और तीसरी जो है बिल्कुल बाहर की हो गई परिक्रमा। नहीं नहीं दीदी आप जो हम मतलब यहाँ पे अंदर की परिक्रमा को नहीं लो, ये तीनों परिक्रमा बाहर की है। गुम्बद जी के बाहर खड़े हो बाहर जो जगह है उसको तीन हिस्से में डिवाइड कर लो, एक बिल्कुल गुम्बद जी से लगते हुए, एक खेल कर जो मंदिर आए हैं उनसे लगते हुए, एक बीच की, ये बाहर की है ये भीतर की नहीं है। आप अभी रंगपर वाली अच्छा, मंदिर अच्छा, के अंदर नहीं हो, ये बाहर की है, ये तीनों परिक्रमा बाहर की। अच्छा वहां पे आ जाओ रतनपुरी आ जाओ। अच्छा रतनपुरी में मंदिर अपना और उसको घेर कर अपने मंदिर बने हुए, तो मंदिर और रतनपुरी मंदिर के अंदर मतलब कमरे और मंदिर के अंदर जो जगह है उस जगह को तीन हिस्से में, एक तो अपन बिल्कुल मंदिर के साथ लगती लगती परिक्रमा करें, एक अपन कमरों के साथ लगती परिक्रमा करें और एक बीच में परिक्रमा करें, तो ये तीन परिक्रमा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी समझ आ गई। क्योंकि जब जो मेहर सागर की परिक्रमा होती है वो मंदिर के बाहर बाहर हो गई, मेहर सागर की परिक्रमा होती है ना सुबह को, वो तो पूरी बाहर होती है। वो तीनों परिक्रमा दीदी बाहर की है। मेहर सागर की परिक्रमा आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, एक यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे मैं हूं मैं बिल्कुल नजदीक से कर रही हूँ मान लीजिए, आप ये बीच वाली जगह से कर रहे हो, एक सुंदर यहाँ से कर रहा है। ये तीन मंदिर के स्थान को महाराज जी ने तीन गिलम बिछा दी और उसको बोल दिया तीन परिक्रमा। ये गिलम और बाहर जो ये जो आपने एक इसके बाद जो 8, 16, 24 और मतलब थोड़ा एग्जांपल गुम्बद जी का हो कि भी उसमें उसी आएगी है, उसमें नहीं है ये सिर्फ थंब से थंब तक आ जाओ बस ऐसे इस थंब के बीच बीच में ठीक है बिल्कुल इसके साथ लगती हुई।
ठीक है दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ, एक मिनट, आप अनम्यूट हो गए। हाँ जी, ये जो तीसरी और चौथी परिक्रमा के है का जो डिस्टेंस है ना, वो जो लेवल है वो इक्वल है, बस गिलम का रंग का फर्क, रंग बस का फर्क, रंग का फर्क है। जैसे मतलब मैं बात करूं रतनपुरी की भी, अपना ये जैसे रतनपुरी का मंदिर हुआ और ये घेर कर वो जगह है जहाँ पे अपने कमरे बने हुए हैं, तो उसके बीच का जो जगह है ना, रतनपुरी मंदिर से लेके कमरों के बीच का जो बरांडा है, उस बरांडे को तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। ये अपना आठ मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, दो मंदिर की लंबी चौड़ी अपना ये आ गया रंग वाली मंदिर। अब हर दिशा में अपने पास तीन तीन मंदिर का स्थान बच गया, तो इन तीन मंदिर के स्थान पर तीन तरह के पलक पावड़े लगा दिए सुंदर साथ के वास्ते। मतलब रंगों से ही पता लगेगा ना परिक्रमा का डिफरेंस। हाँ जैसे जैसे हम जैसे सौ सीढ़ियां भी चढ़ते हैं तो पांचवी सीढ़ी और चांदा जैसे गिलम के रंग पता लगता है ना। हाँ जी, रंगों से। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी, मैं बस वही उनको को जैसे वो रतनपुरी के हिसाब से पूछ रहे थे ना, कि जैसे रतनपुरी में अंदर हमारा निज मंदिर है, जो बाहर तीन सूढ़ी ऊंची एक परिक्रमा बनी हुई है ना, वो हमारी पहली हो गई, और जैसे जो कमरे बने हुए हैं वो तीसरी, और जो वो पूछ रहे थे ना जब मेर सागर की परिक्रमा, मेर सागर बोला जाता है, नहीं नहीं मेरी बात सुनो नरेश जी, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे नहीं, ये तीनों चीजें एक लेवल में है, तो ऊपर नीचे मत करो। नहीं, उनको वो जो पूछ रहे थे ना कि मेर सागर परिक्रमा रतनपुरी में जहाँ होती है वो कौन सा हुआ, वो ये तो तीनों एक लेवल पे है, उनको थोड़ा सा ये बताने के लिए, वो तीन सीढ़ी ऊंची यहाँ नहीं है रंग पर वाली मंदिर, वो तो एक बताने के लिए कि जो एक दो नजदीकी परिक्रमा है वो निज मंदिर के पास वाली जगह हो गई जो हमारा और बनी हुई एकदम ही निज मंदिर को घेर के, और फिर कॉर्नर वाली हो गई हमारी जहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, और जहाँ मेर सागर बोला जाता है रतनपुरी आश्रम में, वो बीच की जगह हो, वो इस तरह से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी कि भी वो तीनों इस तरह की हो गई, लेकिन दीदी हालांकि वहाँ पे नजदीकी वाली तीन सीढ़ी ऊंची है वो रंगपुर वाली। सुंदर सा जी, जो मैं समझाना चाहती हूँ ना, उस भाव को पकड़ो, मैं ये कह रही हूँ कि ये आप मान लीजिए ये रतनपुरी मंदिर है और इस जगह अपने रतनपुरी के कमरे आए हुए हैं, तो ये जो बीच की जगह है, मंदिर नहीं, मंदिर जो तीन सीढ़ी ऊंचा वो नहीं, मंदिर और इसके बीच में जो अपना प्रांगण आया है जहाँ पे अपनी जब शोभा यात्रा भी निकलती है, जब मंदिर मंदिर के अंदर से पूरी, तो ये जगह को आप तीन हिस्सों में बांट लो, एक बिल्कुल मंदिर से लगती हुई, एक बाहर मंदिर बाहर कमरों से लगती हुई, और एक बीच की जगह, तो ये तीन हिस्सा जो है एक ही लेवल का आ जाएगा ना, नौ जो है वो एक ही लेवल के हो जाएंगे। रंगपर वाली मंदिर में तो एक ही लेवल पे है सब, नीचे तीनों पर कर, वहां पे तो आप नजदीकी कह सकते हो पास पर। हाँ जी सैमसंग की वीना दी, आप आओ। ये मतलब तीन ही परिक्रमा है, 8, 16 और 24 है, है किरण जी, बंद हो गया, बंद हो गया। आठ 16, 24, 32 हाँ जी वीना भी, आप कुछ बोल रहे हो? अनम्यूट नहीं हुआ, हो तो गया आपका म्यूट, अनम्यूट नहीं हुआ, आपकी आवाज आ रही है मेरे को, आ रही है। हाँ। तो मैं ये कह रही थी, 1, 8, 1, 16, 1, 24, 1, 32 वाली कौन सी परिक्रमा हुई? ये 32 ये वाली किनार वाली, बिल्कुल। अच्छा, जहाँ थंब लग रहे हैं? हाँ जहाँ थंब लग रहे हैं वो किनार वाली। अच्छा, 8, 16, 24, 32, 64 भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी वैशाली जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब भी आप वो आठ मंदिर की परिक्रमा बता रहे हो, तो उसमें नजदीक में जब हम लेते परिक्रमा,
एकदम टच टू टच शंकर वाली मंदिर पे, तो फिर तभी तो हम बाजू की गली में पहुंच ही जाते हैं ना परिक्रमा घूमते घूमते घूमते, तो फिर वो हाँ, हाँ, एक ही लेवल है, एक ही लेवल है, लेवल एक ही है। जब हम परिक्रमा लेने लगते हैं तो स्थान तो हमारा वो रंगपर वाली मंदिर के बाजू में आ जाएगा ना, जो गली घूम रही है। हाँ, रंगपर वाली मंदिर के बिल्कुल साथ साथ ये गली घूम रही है। आपकी ना आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट हाँ दीदी, एक ही सेकंड। अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है, हेलो, अभी आवाज आ रही है, अब सही आ रही है। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि जब भी हम रंग पर वाली मंदिर को, मतलब वो ऑलरेडी 2x2 वैसे ही है पूरा बराबर, तो वो 8 मंदिर का है, तो दीवार को जब हम बाहर दीवार के बाहर टच करके चलते भी हैं, तो ऑलरेडी हम बाजू की गली में आ ही जाते हैं ना, मतलब वो फिर वो 4x4x4x4 की गली में हम घूम रहे हैं ना। तो मतलब वो सेकेंड परिक्रमा ही टाइप हो गया एक्चुअली। ऐसे बोलते हैं कि जैसे देखने की 4 और गिनने की 3 ऐसे हो जाती है ना परिक्रमा। हम जी ने 4 परिक्रमा बताई है यहाँ पर, 8, 16, 24 और 32। हाँ ओके, मतलब एकदम टच टू टच जब हम चलते हैं तो उसको 8 में आप गिन रहे हो ना। हाँ एकदम बिल्कुल पास में अपन चल रहे हैं तो यहाँ पे 8 मंदिर की ही गिनी जाएगी। और दीदी एक बहुत ही सिली क्वेश्चन है बट मैं पूछ रही हूँ एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि जो आप बता रहे हो ना सुबह उठ के हम आओ जी वाला, हम अपने अपने शहर के मंदिर से आके फिर आते हैं तो ये गाते हैं, तो ये मुझे पूछना था कि जैसे वो आओ जी वाला है उसमें जो ऐसे आगे सेकंड लाइन है ना कि एक कलड़ी परदेश मा मुने मुकी कहाँ चालिया, तो वहां तो हम परदेश में है ही नहीं, तो क्या ऐसा भाव है कि क्षण भर के लिए भी हमें राज्य वहां नहीं दिखते तो हमें ऐसे लगता है वो जो सेवा विधि है ना। हाँ? सेवा विधि परमहंस महाराजों ने उसको इस तरह से वर्णित किया है कि आप उस सेवा विधि को उस भाव से ले रहे हो, यहाँ तो वियोग नहीं है, लेकिन जो हाँ। जो मतलब लाल दशमा जी की वृत्ति के हिसाब से अलग शोभा है, लेकिन वाणी के हिसाब से अपन लेते हैं ना तो राजी रात को पूरे सबके साथ हैं, सुबह अपनी पुणे अपनी अद्वैत स्वरूप में आ जाते हैं, तो हम सखियां जब अपने रूम में उठती हैं मंदिर में तो राजी को नहीं पाती, तब कहते हैं कि व्याकुल होके हम सब दौड़ती हैं रंग पर वाली मंदिर की ओर। तो उस वक्त वो एक वो भाव तो है ना कि राजी अभी हमारे साथ नहीं है, तो आवो जी वाला का जब होता है गायन तो भाव ये है कि आवो जी वाला का गायन करते वक्त आप इस मंदिर की परिक्रमा लगाओ, आपकी नजर वहां परम धाम में पहुंचाने के लिए उन्होंने ये भाव दिया कि आप परिक्रमा लगाओ। फिर जब दरवाजे खुल गए अंदर गए तो राजश्यामा जी शयन कर रहे हैं, उनकी प्यारी सी वो छवि उनके श्रृंगार को उनके चरणों को और उस वक्त उठापन की लीला, तो ऐसे उन्होंने एक एक लीला का वर्णन दे दिया। ओके, वही मेरे मन में था कि वहां है तो हम क्यों बोल रहे हैं कि परदेश। लालदास मांझी की वृत्ति में ना, लालदास मांझी की वृत्ति में पता क्या आता है, वहां पर यहाँ मंदिर में नहीं जाते, उठापन की लीला भी वहां नहीं है, यहाँ हम अपने मंदिरों से उठे और सब हम इस चौक में आए और यहाँ पर राजी श्यामा जी है, सब सखियों को यही लगता है कि राजी मेरे ही तो मंदिर से निकल के आए अभी, तो वहां की वहां पे अलग है, सबको यही लगता है कि जाने मेरे मंदिर से आए राजी। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सिंह सर। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो अभी 4 परिक्रमा की बात हो रही है ना, 3 की और 4 की, तो 3 कलियां है ना ये, तो मेरे को जैसे 3 कलियों में 4 थंब आएंगे तो 4 थंबों की परिक्रमा होगी वो। नहीं थंब नहीं है यहाँ पर, कोई थंब नहीं, थंब नहीं है, थंब बिल्कुल नहीं है। हाँ। जैसे अगर हम थंब लगाते हैं कलियों में मान लो, तो 3 मंदिर के लिए 4 थंब आएंगे ना। हाँ 4 थंब आएंगे, उनमें 3 गलियां होंगी, तो वो हाँ तो वो समझ लेंगे जो दीवार है वो पहले वाला जो है वो 8 का हो गया, दूसरे तक पहुंचेंगे तो फिर 16 का, तीसरे तक फिर जो है 24 का और फिर 32 का, उनके बीच में 3 गलियां होगी बस। हाँ, गलियां, बस 3 गलियां, बस, 3 बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो परिक्रमा यहाँ पे लीला को सोचे कि हम कि मेरे को तो बस बिल्कुल रंग पर वाली मंदिर को छूते हुए परिक्रमा करनी है। हाँ, मस्ती में थोड़ा दूर कर रही है कोई, बिल्कुल किनार पे कर रही है, अपनी मस्ती से सब चल रहे हैं,
बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति प्रणाम जी। दीदी ये जो हमारे रामपुर वाली के तीन चार जो हमारे परिक्रमा है वो तो सब लाइन से ही है ना, जैसे थोड़ा नजदीक चले तो आठ मंदिर, थोड़ा सा दूर चले तो ऐसा ऐसा ही है ना। एक मिनट मैं दूसरा नक्शा निकालती हूँ कोई। एक सेकेंड ये देखो ये अपना है चोपड़े का चोक, ठीक है, आठ मंदिर का लंबा चौड़ा तले गिलम पूरी सुंदर शोभा। अब इसके ठीक मध्य अपना रंग परवाली मंदिर, ये अपना यहाँ पे आ गया रंग परवाली मंदिर, दो मंदिर का लंबा चौड़ा। आठ मंदिर में से आपने दो मंदिर की जगह रंग परवाली मंदिर दे दिया। अब यहाँ पे भी तीन मंदिर की जगह, यहाँ भी घेर कर तीन मंदिर की परिक्रमा है। मोटे रूप से हम समझे तो घेर कर तीन मंदिर की परिक्रमा है। अब वो महाराज जी ने अपने को कि मेरी मेरी रूह मतलब मैं तो मेरी जो सखिया उनका भाव था कि मेरी रूहों को मैं एक सुख दूं, उन्होंने वो तीन परिक्रमा बता दी कि कोई सखी तो बिल्कुल नजदीक से परिक्रमा कर रही है, मतलब जैसे यहाँ मैं अलग कलर से दिखाती हूँ। अब कोई रूह तो चाह रही है कि मैं बिल्कुल नजदीक से रंगपुर वाली मंदिर के नजदीक से परिक्रमा करूं, कोई थोड़ा यहाँ से कर रही है, कोई किनार से कर रही है, बस ये तीन परिक्रमा हो गई। लेवल एक है, लेवल एक है। आप ये मान के चलो जैसे अब पन्ना जी जाते हैं अभी गर्मी के दिनों में तो वहां पे वो पलक पावड़े बिछे होते हैं ना कि इसके ऊपर चल के जाओ, तो यहाँ पे तीन तरह के पलक पावड़े बिछा दिए, बस एक बिल्कुल लगता हुआ पलक पावड़ा, एक इसके साथ लगता हुआ और एक बीच में आ गया। वही वही मुझे तो बीच में तो थंब नहीं है तो वही लगा कि मतलब थोड़ा दूर दूर पे है, मतलब एक आठ मंदिर का हो गया एक सौ मंदिर का, तो वही समझ में आ गया। दीदी प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। हाँ जी डोली दी। प्रणाम जी, मेरा तो बस आपकी तारीफ करने का दिल कर रहा था। अच्छा ऐसे मत करो दीदी। प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया कि आपने कितने अच्छे तरीके से सबको 10 बार एक ही प्रश्न का उत्तर बड़े अच्छे तरीके से दिया। राजीव राज की बहुत बहुत मेहर है आप पे, और मेरा तो हल सबके प्रश्नों में हो जाता है, मैं देख रही थी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, ये हमने एक तरह से लगभग सारी शोभा देखी, ये देखिए एक चौक का निकालू मैं। हाँ जी, ये जैसे अपना मध्य चौक है, मध्य चौक में हमने नौ चौकों की नौ हारे भी देख ली, हमने आठ की आठ हार हवेलियां भी देख ली, ठीक मध्य रंगपर वाली मंदिर भी देख लिया, हमने जुडाफे भी देख लिए। देखिए ये अपने पर नव चौक है, नव चौक के मध्य अपने आठ जुडाफे आते हैं, आठ जुडाफों की नौ हारे पूर्व से पश्चिम और आठ जुडाफों की नौ हारे उत्तर से दक्षिण। ऐसे ही बड़े दरवाजे, जैसे ये बड़ा दरवाजा, ये बड़ा दरवाजा, आठ बड़े दरवाजों की नौ हारे पूर्व से पश्चिम और आठ की उत्तर से दक्षिण, तो 144 ये शोभा हमने देखी। अब हम शोभा देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, हम रंग परवाली मंदिर तक पहुंचे कैसे, नहीं ना कि अपने को अब रंग परवाली मंदिर आना है तो कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्कुल आसान रास्ते से, सबसे पहले हम बिल्कुल आसानी से आते हैं, ये देखिए सुंदर साहब जी, हम रसोई वाले मंदिर से, सीढ़ी वाले मंदिर से हम बाहर निकले, मध्य त्रिपोलीय पे आ गए, मध्य त्रिपोलीय से आके हमने 36 हार फिरावे पार कर लिए, सीधा दौड़ते हुए 36 हार फिरावे हमने पार कर लिए, चार चौरस चार गोल, फिर चार चौरस चार गोल, ऐसे करके 36 हार फिरावे पार कर लिए। उसके बाद हम फुलवाड़ी में खड़े हैं। अब जब हम फुलवाड़ी में खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, मतलब हमने पूरे हवेलियों के फिरावे पार कर लिए, अब हम फुलवाड़ी में खड़े 28 मंदिर के, और हमारे ठीक सामने 630 मंदिर की दीवार है। सबसे पहले मैं आसान रास्ता बता रही हूँ,
अपने सामने 630 मंदिर की दीवार है जिसमें अपने को 24 तो बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे अपने को और क्या क्या शोभा नजर आ रही है, अपने को ये कोने का गोज नजर आ रहा है, और इधर इस तरफ भी अपने को कोने का गोज नजर आ रहा है, ये वाला कोने का गोज। और यहाँ जहाँ दो चौक मिल रहे हैं, यहाँ पर अपने को दो दो गुर्ज एक साथ नजर आ रहे हैं। इन गुर्जों पर हम थोड़ा सा अलग लेके चले तो ये अपने को एक दो दो और दो, ये अपने को कितने गुर्ज नजर आते हुए, यहाँ पर छह गुर्ज नजर आते हुए, क्योंकि तीन चौक है और तीनों चौकों के दोनों कोनों पे गुर्ज है, तो ये अपने को छह गुर्ज नजर आते हुए। और अपने को 24 बड़े दरवाजे बिल्कुल थाम दरवाजे की तरह विशालतम शोभा लिए। और बाकी जो मंदिर है उन मंदिरों में दरवाजा दरवाजे के ऊपर चरोखे की शोभा। तो हम यहाँ पे है, मान लीजिए भीतर में है, तो हमें बड़े दरवाजे का इंतजार नहीं करना, अपने ठीक सामने जो मंदिर है उस मंदिर से हम अंदर चले गए। हम जैसे हमारे सामने ये मंदिर आया, मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, हम बिल्कुल मध्य से आए हैं, रंग महल के मध्य से आए हैं, तो अपने ठीक सामने जैसे ये मंदिर आ गया या ये मंदिर आ गया, तो इस मंदिर में दो दरवाजे अपने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर मंदिर में चार दरवाजे हैं। हमने ये मंदिर पार किया, गली फिर त्रिपोलिया फिर ये मध्य गली, सीधा दौड़ते चलेंगे, पहला चौक पार होगा, दूसरा चौक आधा ही पार होगा, और ठीक सामने यहाँ पे रंग परवाली मंदिर, हम रंग परवाली मंदिर से टकराएंगे। तो यहाँ पे सरकार श्री जी बड़ा प्यारा वर्णन करते थे, मैं वो वाला नक्शा निकालती हूँ। कहते 36 फिरावे पार कर लो, ये देखो पंचमोले तक 36 फिरावे पार कर लिए। और यहाँ पर हाँ एक शोभा और, जैसे ये देखिए ये पंचमोला है, यहाँ तक पंचमोले हो गए, उसके बाद एक मंदिर और एक थमकी हार। तो पंचमोले की तरफ झरोखों का वर्णन क्यों नहीं आया, क्योंकि पंचमोले के बाद एक गली और थमकी शोभा आ गई। तो यहाँ पर हम इस सुंदर दहलान में बैठ के फुलवारी के दर्शन कर सकते हैं, और इन 630 मंदिर की दीवार में झरोखे हैं। अब यहाँ से अपने को जो भी मंदिर मिला उस मंदिर से हम सीधा दौड़ते दौड़ते सीधा ये पहला चौक पार करेंगे, और सीधा सरकार कहते थे सीधा दौड़ती जा, सीधा जाके रंग परवाली मंदिर से जाके टकराओगे, कि बिल्कुल सीधा रास्ता है और ये प्रमाणित होता है बड़ी वृत्ति से। तो ये रास्ता तो हुआ सीधा, जैसे अपने को चितवन करनी है, रात को रंग परवाली मंदिर चलना है, अपने शयन के मंदिर चलना है, श्यामा जी के शयन के मंदिर, रंग परवाली मंदिर में उन पिया जी को शयन की अलौकिक लीला में सहभागी बनना है। तो इस तरह से दौड़ते हुए 36 फिरावे पार किए, फुलवाड़ी पार की, जो मंदिर सामने आ रहा है उसके द्वार खुल गए, और आप दौड़ते हुए सीधा रंग परवाली मंदिर पहुंच जाओगे। तो ये रास्ता तो हो गया बिल्कुल सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा रास्ता है उसमें क्या शोभा रहेगी, अपनी पूर्ण शोभा को भी दिखाती हूँ। जो दूसरा रास्ता है, पहले मैं इस नक्शे से दिखा रही हूँ, फिर दूसरे नक्शों से भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम 28 मंदिर की फुलवाड़ी में है, यहाँ पर ये 12वां बड़ा दरवाजा हुआ और ये 13वां, क्योंकि अपने पास 24 दरवाजे हैं और हम सेंटर से आए हैं, तो सेंटर वाले दरवाजे ही आएंगे ना, टोटल 24 है, तो 12वां 13वां पड़ेगा, या तो हम 12वें से जाए या हम 13वें से जाए, जैसे हमने इस दरवाजे को पकड़ा। तो यहाँ पर बड़ा दरवाजा है 88 हाथ का, उन दरवाजे के मंदिर में भीतर गए, मंदिर को पार किया, पुणे 88 हाथ का दरवाजा, इसको पार किया, फिर हमने एक गली पार की, आधी गली पार की, डेढ़ गली पार करने के बाद हम दक्षिण हाथ की ओर मुड़ गए, और ये अपने त्रिपड़े के चौक में आ गए। इस शोभा को मैं दूसरी जगह से दिखाती हूँ, वहां से अच्छा रहेगा। एक सेकेंड, मैं नक्शा इस नक्शे से करते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। सुंदर सा जी, मुझे लगता है बड़ा रास्ता समझाने का टाइम नहीं है, कल करें इस शोभा को अच्छे से, है ना। तो यहां तक की शोभा में कोई क्वेश्चन हो तो मेरा टाइम की तरफ अभी ध्यान गया। तो ये जो बड़ा मेन रास्ता है ये अपन कल तो नहीं हो पाएगा, कल शायद शोभा को रिवाइज ही करेंगे, क्योंकि कल काफी सुंदर साथ नहीं होंगे दिल्ली वाले, तो कल हम आएंगे तो सही, वो पांचवी भूमि में जो भी क्वेश्चन है वो लेंगे।
तो सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो, बस बड़ा दरवाजा अपना रह गया कि कैसे हमने बड़े दरवाजे से अंदर आना है। हाँ जी अनीता जी, दीदी वो नक्शा रंगपुर वाली मंदिर का लगाइएगा, ये वाला नहीं दूसरा। हाँ जी, ये आपने बताया ये चारों तरफ जुड़ापे के मंदिरों में एक दो मंदिर की बड़ी मैदान है, तो हमें जो ये दो मंदिर जुड़े हुए हैं इसकी छोटी मेहराब भी दिखेगी अंदर। यहाँ पे जो एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन आती हैं, तो यह मतलब यहाँ पे अपने को दरवाजे तो मिलेंगे ही, यहाँ दरवाजे तो मिलेंगे ही, अपने को दरवाजा मिलेगा, लेकिन वो दरवाजे इस बड़ी मेहराब में शामिल होंगे। मतलब एक बड़ी मेहराब में दो छोटी मेहराबें, उन छोटी मेहराबों में फिर तीन मेहराबें मध्य दरवाजा दाएं बाएं दीवार। तो यानी जो हमारा एक चौपड़ा है उसके चारों तरफ, उसके एक तरफ चार खुले थंब है और चार अक्षी थंब है ना, ऐसे है ना? नहीं नहीं, दो तो खुले हो गए, ये चार तो खुले हो गए, यहाँ तीन अक्षी थंब हुए ना, ये और एक कोने वाला थंब भी तो ये तो मिलता हुआ ही सही आएगा ना, वही थंब इसमें काम करेगा, वही थंब छोटे में काम करेगा, यहाँ दो थंब। नहीं, जो हवेली के कोने का दीदी, एक वो भी तो होगा ना। अच्छा ये वाला, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। हाँ जी मोनिका जी, मंडे से ही अपन ये जो बड़े दरवाजे वाली शोभा है मंडे को ही करवाएंगे, लेकिन कल भी अगर सुंदर साथ आना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कहें सुंदर साथ जी। बाकी कल दिल्ली वाले सुंदर साथ नहीं होंगे, तो इसलिए लग रहा है कि कल नई शोभा का वर्णन नहीं करेंगे। जयकारा बुला लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। सुंदर साथ जी, आज जो शोभा हुई है उसकी वीडियो आज रात तक या कल सुबह तक आपको मिल जाएगी, आज जो शोभा हुई है।